हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश भावेश चट्टी। आप सभी को रमजान मुबारक। पवित्र पाक महीना चल रहा है रमजान का, तो उसका हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आप भी मुबारकबाद दे दीजिए एक बार। रमजान की मुबारक। रमजान में सुबह तक भूखा रहना पड़ता है, पूरे दिन भर भूखा रहना पड़ता है, पानी भी नहीं पीते हैं दिन भर। हाँ, दिन भर पानी भी नहीं पीता है, और फिर शाम को फिर रोजे मतलब अपने व्रत खोलते हैं ना, उपवास खोलते हैं, वैसा होता है। रोजा है ना, तो हमारे कल्चर में उपवास बोलते हैं, उसमें भी पानी नहीं पीते हैं और दिन भर भूखे रहते हैं, उसको उपवास करना बोलते हैं। पर रमज़ान में एक महीने तक चलता है, और जो भी मतलब एक तरह से ये भगवान के प्रति अपना समर्पण होता है, अपना सेक्रीफाइस होता है, और ये ऊपर वाले का दिया हुआ जो अपना शरीर है ना, उसको अपन कष्ट देते हैं ताकि उसके लिए समर्पण भावना दिखाते हैं अपन। एक तरह से यही होता है, उसमें हम अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, और जो चीज़ मतलब खाना भोजन ये तो इम्पोर्टेंट होता है ना अपनी लाइफ में, तो उसको हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये सब हम उस ऊपर वाले के लिए समर्पण भाव है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो यही है, तो इसी लुक में एक वीडियो है। क्या है ये? रमजान सीरीज। रमजान सीरीज का वीडियो है, तो वो मिलके देखते हैं। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है, और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है, उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है, और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड, ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है, और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 times a day एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं, और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी,
और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन चार पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल इससे दिया जाता है कि पहले जमाने में जब बादशाह होते थे तो जितने भी दरबारी होते थे वो बहुत अदब से उस बादशाह के सामने खड़े होते थे। तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह इस पूरी कायनात का बादशाह है और उसके सामने हम बहुत अदब से खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं। फिर हम रुकू करते हैं। रुकू इज लाइक बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के सामने हम झुक जाते हैं। इंसान इतना हम्बल हो जाता है कि वो झुक जाता है अपने खुदा के आगे। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत पोजीशन, वो है सजदा। सजदा इज द अल्टीमेट सबमिशन टू अल्लाह। इंसान अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन के सबसे नीचे हिस्से पर डाल देता है और सजदा करता है अल्लाह पर, जो इस पूरी कायनात का रब है। मुस्लिम्स सिवाय अल्लाह के और किसी को सजदा नहीं करते, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि और कोई इस लायक नहीं है कि उसे सजदा किया जाए। और लास्टली बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर, जिसके बाद नमाज कंप्लीट हो जाती है। नमाज बेसिकली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पढ़ी जाती है, जिसे किबला कहते हैं। नमाज पढ़ने का एक ड्रेस कोड होता है, आपको डिसेंटली कवर्ड होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। तभी आपने देखा होगा जब नमाज पढ़नी होती है तो मुस्लिम लेडीज दुपट्टा ओढ़ लेती हैं या जो जेंट्स हैं वो टोपी लगा लेते हैं, बिकॉज नमाज में खड़े होने से पहले एक डिसेंट ड्रेस कोड होना जरूरी है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। Only in certain situations exempt होता है नमाज पढ़ना, and if you want to know in detail, उसके links मैं description box में डाल दूंगी। चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, स्कूल में हो, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़नी है, बिकॉज वी बिलीव के नमाज और अल्लाह टॉप प्रायोरिटी है और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे कभी भी कोई मुस्लिम नमाज पढ़ने की परमिशन मांगे या कोई जगह मांगे तो प्लीज उनकी मदद कर दिएगा, स्पेशली मुस्लिम लेडीज को, क्योंकि नमाज पढ़ना हर हाल में बहुत जरूरी है। जुमे की नमाज या फ्राइडे प्रेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जनरली जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते हैं, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं, बिकॉज फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जुमे की नमाज पढ़ने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्लिम मर्दों के लिए। लेडीज अपने घर में ही नमाज पढ़ सकती हैं और वर्ल्ड की काफी सारी मस्जिदों में लेडीज भी जाती हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने। औरतों के लिए जरूरी नहीं है मस्जिद में नमाज पढ़ना, पर आदमियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खास तौर से जुमे की नमाज मस्जिद में ही पढ़ें। आपने कभी मुस्लिम्स को एक साथ नमाज पढ़ते हुए देखा है? अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए कि चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, हर कोई एक लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। हर इंसान अल्लाह के सामने एक है। इस्लाम रेसिज्म कास्टिज्म नहीं सिखाता, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ यूनिटी सिखाता है। नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन आता है और ईमान मजबूत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाज इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। नमाज पढ़ने से बेहतरीन सुकून मिलता है और सब्र मिलता है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो नमाज पढ़ने से इंसान रीफोकस होता है कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है
वो चली जाएगी अगर हम उस पर सब्र करें, और अल्टीमेटली अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं क्योंकि अल्लाह ही है जो हमारी सारी दुआएं कबूल कर सकता है, हमारी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। तो इंसान रिफोकस हो जाता है नमाज पढ़ के। नमाज पढ़ने के रूहानी यानी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो है ही, इसके साथ साथ नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी की अर्थिंग होती है। नमाज पढ़ने से दिल को फायदा पहुंचता है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये हर चीज डिटेल में बताने चलूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं काफी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि नमाज पढ़ने के फिजिकल बेनिफिट्स कितने सारे हैं। नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर, पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत जरूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं, कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड, एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं, जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा, और कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। और क्योंकि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इस रमजान मैं दे रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वुडन फ्रेम्स, जिसपे आप अपनी मर्जी के कोई भी कोट्स प्रिंट करा सकते हैं। 3 लकी विनर्स ये फ्रेम्स जीत सकते हैं और फुली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और इसके सारे रूल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक सच कॉन्टेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। एंड यू कैन ऑल्सो शॉप माई हिजाब्स एंड मॉडर्स ड्रेसेस फ्रॉम माई वेबसाइट ramshasultan.com। एंड हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। हाँ, तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो इन्होंने पूरी तरह से डिटेल में बताया कि 5 टाइम नमाज क्यों पढ़ी जाती है, और सुबह सुबह जो अपन आवाज़ सुनते हैं मस्जिदों से आती है, अजान होती है, तो बेसिकली बुलाया जाता है प्रेयर के लिए। ये मुझे पता है कि प्रेयर के लिए पहले से बुलाया जाता है उनको, और ताकि लोगों को ध्यान रहे कि नमाज का टाइम हो गया और सुबह उठ गया आप नमाज पढ़ लीजिए, भगवान को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, ये एक बेसिकली होता है। और ये सारी चीज़ें हर रिलीजन में सेम ही होती है, सब ऊपर वाला एक ही है, सब अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं। और हमारे यहाँ तो जो अच्छा काम कर रहा है उसी को लोग भगवान में मान लेते हैं, उसको भी पूजने लग जाते हैं। तो ये एक बेसिकली कल्चर होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर है पूरा, क्योंकि काफ़ी हमारी डाइवर्स कल्चर है पूरा। तो ईश्वर अल्लाह जो डिवाइड एंड रूल करने वाले होते हैं, उन्होंने रूल भी किया है हम पे, और हम लोगों को आपस में बांटा भी है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, पर ये हो रहा है, लोग ऐसी सोच रखते भी हैं, पर थैंक कि जो लोग ऐसी सोच नहीं रखते वही दुनिया चला रहे हैं, और ऐसा ही हो। और एक इंसिडेंट बताता हूँ, अब हमारे शहर में एक जने ने रमज़ान जो रोज़े वो तोड़ दिया था, क्योंकि ब्लड चाहिए था, और ब्लड देने के लिए आपको कुछ पीना पड़ता है, जूस वूस, तो जूस पीना मतलब रोज़ा तोड़ा। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, अच्छा काम किया है। तो ये भी एक अच्छा गेस्चर होता है कि नहीं यार, मुझे तो रोज़ा रखना है, और मैं किसी की हेल्प करूं तो नहीं, रोज़ा टूट जाएगा, भगवान बुरा मान जाएगा, भगवान बुरा नहीं मानता। आप किसी की खुशी दो
किसी की हेल्प करो, अल्लाह ईश्वर उसके लिए पहले आपको प्रेफर करेगा। ये प्रेफर नहीं करेगा कि आपने रोज़ा है तो क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा उस पर डिपेंड करता है, उसका रीज़न क्या है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और हमारे उदयपुर में ऐसा हुआ है, हमारी सिटी में कल परसों न्यूज़ में आया था, और ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। और ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं कि काफ़ी हिंदू लोग नमाज पढ़ते हैं और काफ़ी मुस्लिम लोग मंदिर में पूजा भी करते हैं, तो ये तो रेस्पेक्ट है एक तरह की, क्योंकि आप मंदिर में जाके अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो मंदिर में आप अल्लाह को ही पाओगे, और अगर आप अल्लाह नहीं, अल्लाह को नहीं या किसी और रूप में पूछते हैं तो मस्जिद में जाके आप उसी को पाओगे। कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और फिर इंसान एक दूसरे के रिलीजन को गाली देने लग जाता है, वो सबसे बुरी चीज़ होती है। तो उसके लिए हम को एक दूसरे के रिलीजन को आपस में मर्ज करके एक दूसरे के रिलीजन को समझना पड़ता है, और एक बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती है ना उसको थोड़ा कम करके, क्योंकि आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन वाला है पूरा, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, लोग आना जाना काफ़ी हो गया। तो इंडिया में तो स्पेशल ही है, क्योंकि इंडिया में हर तरह की कम्युनिटी रहती है, हम चर्च में भी जाते हैं, मज़ार पे भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, और देयर इज़ नो इशू। क्योंकि एक लेडी ने एक बात बोली थी कि कास्टिज्म और ये चीज़ें थी नहीं, ये आई है, ये डाली गई है, और ये चीज़ें बुरी हैं और ये धीरे धीरे जा रही हैं। हमारे यहाँ पे पहले किसी पति का पति मर गया तो पत्नी को पति के साथ ही जला देते, ये भी एक बुराई थी, वो हट गई, ख़त्म हो गई। और आज अगर किसी को ये बात इनको बात बोले तो हंसेंगे, पर ये रियलिटी थी, सत्य प्रथा थी, वो ख़त्म हो गई। तो ऐसी काफ़ी बुराइयाँ होती, और इन्होंने बोला कास्टिज्म, तो कास्ट वर्ड ही यहाँ से ओरिजिन नहीं हुआ है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये यूरोप से आया था। हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था हर जगह ऑटोमेटिकली है, आप जो हैं, आपको जो काम आता है आप उसमें ऑटोमेटिक चले जाएंगे। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं एक उस इंजीनियर वाले वर्ड मतलब एक सेक्शन में जाऊँगा, मैं डॉक्टर हूँ तो उस सेक्शन में जाऊँगा, फिर वो होता क्या, बुराई आती ना किसी चीज़ में, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। पर होप सो कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और वो कहते हैं ना कि जब भगवान की दरबार में, अल्लाह के दरबार में खड़े होते हैं सब एक होते हैं, तो हर रिलीजन में यही है। हम भी मंदिरों में आके जाते हैं तो वहाँ पे किसी को पूछा नहीं जाता कि आप क्या है, कि सबको लाइन में लगना है, सबको मंदिर में जाना है, मज़ार पे भी जाते हैं, मस्जिद पे तो हम कभी गए नहीं क्योंकि शायद वहाँ अलाउ है या नहीं पता नहीं, पर ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं कभी। हाँ, जो मस्जिदों के नीचे जो लोगों की दुकान है, शॉप्स होती है, वहाँ ज़रूर जाते हैं। वो हमारे किसी भी कम्युनिटी की हो सकती है, वो पर्टिकुलर ये नहीं है कि मस्जिद में मुस्लिम की ही शॉप होगी, अब हिंदू की शॉप भी होती है, सिख की होती है, क्रिश्चियन की भी होती है। तो ये खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती हम रोज़ फेस करते हैं। और जो नफरत करने वाले लोग हैं ना, वो हम सब मिलकर उस पर हंसते हैं, क्योंकि मीडिया पे और कुछ इंसिडेंट होता है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग है, उस पर दो लोग झगड़ा करें और उसको एक मीडिया का चैनल बताए और फिर वो बताए कि इंडिया में ये हो रहा है, तो फिर हमको हंसी आती है और कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें करते भी नहीं है। तो ये बात शायद आप जो सेंसिबल लोग हैं वो समझते भी हैं। यही मेरा मैसेज था, और हमें जो आज जो इसका इम्पोर्टेंस है नमाज की, वो पूरी तरह से क्लियर पिक्चर एकदम क्लियर कट हो गई। उसमें आपको फिजिकल बेनिफिट भी है, आपको मेंटली, आप आध्यात्मिक को क्या बोलते हैं, रूहानी, वो एहसास होता है। तो ये इंसान की ताकत है कि वो जब ध्यान लगाता है, जब मेडिटेशन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले से जुड़ता ही है। और आप जैसे कि हिंदू में योग है, जो हमारे हमने पढ़ा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मतलब बहुत लंबे टाइम से, दो दो तीन तीन चार चार महीने, दस दस साल से कुछ खाना नहीं खाते पर मेडिटेशन करते हैं और जी जाते हैं। ऐसे लोग हैं, जब कुंभ आता है 12 साल में एक बार, तब पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, जो किसी का 12 साल से हाथ ऊपर ही है तो उसका पूरा वो ख़त्म हो जाता है, हाथ ही ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, क्योंकि किसी के नाखून बड़े हैं, किसी के, तो ऐसे लोग आज आते कहाँ से। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सब होते हिमालय से आते हैं और ये वापस गायब हो जाएंगे, आपको पता ही चलेगा। और बिल्कुल वो मतलब जो जो आज का जो जो अभी का जो टाइम है ना, अपन कैसे, हम तो एक कंक्रीट जंगल में रहते हैं ना, तो वैसे चीज़ों को छोड़ के बिल्कुल नेचर के करीब रहते हैं और भगवान को पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन से लोग बैठे बैठे हवा में चले जाते हैं, जो अपने चक्र होते हैं वो जगाते हैं। तो मेडिटेशन एक चीज़ है, और मेडिटेशन हर रिलीजन में है, और ये इस नमाज में भी मेडिटेशन है। ये चीज़ मुझे भी पहले से पता थी, इनको पता नहीं थी, इनको पता चला, होप सो। और इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। मैं हमारी तरफ से रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक, गर्मी का मौसम है,
अपना ख्याल रखिएगा, रोज़े रखिए, अल्लाह की राह में लोगों को ये रखना भी ज़रूरी है और बहुत पाक महीना है आपके लिए। तो प्लीज़ कहीं गलती से ऐसा काम ना कर दीजिए जिससे अल्लाह भगवान दुखी हो। और वो काम क्या होते हैं, किसी को दुख पहुँचाना, किसी के बारे में गलत करना, जानबूझकर किसी का बुरा करना। और बुराई रिलीजन देख के, कास्ट देख के नहीं आती है, वो ऑटोमेटिक हर जगह आ जाती है। तो ये मेरा एक मैसेज था। बाकी ईद आने वाली है और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन है, सब कुछ बंद हो गया है। होप सो हिंदू नववर्ष भी चल रहा है अभी, तो अभी शुरू हुआ है, नवरात्रि चल रही है 9 दिन की, तो सारे त्यौहार सब बंद है। रमज़ान भी बिल्कुल सब लोग मस्जिदों में नहीं आ रहे हैं, सब घर पे ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। और सिखों के जो सिंधी लोगों की चेटीचंड का पर्व आया, उन्होंने नहीं मनाया, तो लोग फॉलो कर रहे हैं। जो नई वेव है बहुत डेंजर है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी भाई से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं और मुझे काफ़ी मैसेज भी करते हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक्स। और आपका प्यार ऐसे ही मिलता है और ऐसे हम जुड़े रहें। इसी मैसेज के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इनको अगर कुछ बोलना है तो ये बोल सकते हैं वीडियो बनाने में। होता और रिगार्डिंग नमाज़ के बारे में अगर ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि सेंसिटिव मैटर है, बच्चे हैं, कुछ बोले आप बुरा लगे, इसलिए मैंने शायद इनको मैं अलाउ करूँ या नहीं करूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे भी राय लूँगा कि ये क्या मानते हैं इसको। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।